ऑल राइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज इस मैडन के शो की, जहां पर हम सभी कुछ मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस भी देखने को मिले हैं। और आज पॉल हीमन भी शो पर थे, बट रोमन रेंस नहीं थे, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें काफ़ी सही थी। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी मैच था शो पर, तो क्या कुछ हुआ पूरे शो में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ने वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार, जो भी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE की फास्टेस्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट देने को मिलता है। तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब, किया जाता है अगर 5 या 10 लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो शो की स्टार्टिंग होती है ड्रू मैकइंटायर से, और ड्रू मैकइंटायर के बात करते हैं कि कोई भी हो मैं सबको हरा दूंगा और वो मनी इन द बैंक को जीतने वाले हैं। और रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर जब समर स्लैम में लड़ रहे होंगे तो वो आके मनी इन द बैंक को क्वेश्चन करेंगे। और फिर इतने में शेमस बार आते हैं और शेमस बात करते हैं कि भाई तुम्हें तो एक्सपीरियंस ही नहीं है मनी इन द बैंक का, मैंने रोमन पर कैश इन किया है तो मैं इस बार भी वही करूँगा, मनी इन द बैंक जीतूंगा और कैश इन करूँगा। पॉल हीमन आते हैं और वो कहते हैं कि भाई रोमन रेंस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, और वो कहते हैं कि भाई कोई भी मनी इन द बैंक कैश इन नहीं कर पाएगा, चाहे रोमन जीते चाहे ब्रॉक जीते। और यहाँ पर एडम पियर्स कहते हैं कि हम लोगों ने जल्दी जल्दी में गलत डिसीजन ले लिया है, और अगर आज ड्रू मैकइंटायर एंड शेमस तुम दोनों हराते हो दी उजोस को, तभी तुम आ पाओगे मंथ्स मनी इन द बैंक के लैडर मैच में। तो ये बड़ी ऑफिशियली अनाउंसमेंट थी। और आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए मैच सेट हो चुका था, दी उजोस वर्सेस मैकइंटायर एंड शेमस के बीच मैच। नेक्स्ट होता है सैमी ज़ेन एंड शिंस्की नाकामुरा के बीच मेंस मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैच। और यहाँ पर इस मैच मतलब ठीक ठाक से मैच था, नॉर्मल से मैच था, क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। और इस मैच में सैमी ज़ेन ने विक्ट्री हासिल कर ली है और वो आ रहे हैं मेंस मनी इन द बैंक के लैडर मैच में। नेक्स्ट होता है हमारा एक बार फिर से मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैच, और इस बार ये वुमेंस का मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच था। और मैच था यहाँ पर शॉर्ट जी एंड टमिना के बीच, और इस मैच में आप लोग क्या ही उम्मीद करोगे, टमिना की बुकिंग पता है WWE के अंदर कैसी चल रही है। और यहाँ पर शॉर्ट जी ने हरा दिया टमिना को और वो आ रही है वुमेंस के मनी इन द बैंक के लैडर मैच में। नेक्स्ट होता है 2-on-1 हैंडीकैप मैच, जहाँ पर राकेल गोंड्रियाज एंड लेसी इवेंस मिलकर फेस करती हैं अकेली सोनिया डेवल को। और रिंग साइड पर होती हैं शीना बेज़लर एंड ज़ायली। और ये मैच सोनिया डेवल को इसलिए मिलता है क्योंकि एडम पियर्स से वो बैकस्टेज जाके कहती हैं कि भाई मुझे तुम कोई मैच नहीं दे रहे हो, इसलिए एडम पियर्स ये मैच ऑफिशियल करते हैं। और इस मैच में लेसी इवेंस एंड हमारी सॉरी ज़ायली कह रहा हूँ लेसी इवेंस एंड राकेल गोंड्रियाज ने हरा दिया सोनिया डेवल को। और बाद में ज़ायली एंड शीना बेज़लर मैच के बाद अटैक करते हैं लेसी इवेंस एंड राकेल गोंड्रियाज पर, और उनको ज्वाइन करती हैं बाद में सोनिया डेवल, और तीनों ने मिलकर भी अटैक किया है। तो आई थिंक इनकी स्टोरी आगे जरूर से प्रोग्रेस होने वाली है। नेक्स्ट होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि हुआ था गुंथर एंड रेकोशे के बीच, क्योंकि रेकोशे को एक रीमैच मिला था IC टाइटल के लिए। और इस मैच में आप लोग क्या ही उम्मीद करोगे यार, गुंथर को सब लोग पसंद कर रहे हैं और रेकोशे को भाई वापस से चैंपियनशिप WWE देगी नहीं। और इस मैच में गुंथर ने हरा दिया रेकोशे को और उन्होंने अपने IC टाइटल को रिटेन कर लिया है। नेक्स्ट होते हैं रिंग में न्यू डे, जहाँ पर उनका मैच होना था अगेंस्ट जिंदर माल एंड शैंकी। और यहाँ पर उसके बाद हमसे भी चीज़ें क्या देखने को मिलती हैं, जो हमारी जेर वुड्स हैं वो ट्रम्पोन बजाते हैं और शैंकी नाचने लगते हैं, इतने में जिंदर उनको लीव करके चले जाते हैं गुस्से से। और इतने में जो हमारे तीनों बंदे हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और वाइकिंग रेडर्स बाहर निकल के आते हैं और वो न्यू डे पर अटैक कर देते हैं। और आई थिंक इनकी स्टोरी आगे प्रोग्रेस करने वाली है, जहाँ पर वाइकिंग रेडर्स का हो चुका है फाइनली हील टर्न। तो मेरे हिसाब से एक बेटर मूव है, वाइकिंग रेडर्स का भी यूज़ हो जाएगा और न्यू डे को हर हफ्ते हम लोग वही जिंदर एंड शैंकी के सामने देख रहे हैं, तो वो भी एक काफ़ी सही चीज़ है। तो यहाँ पर WWE ने इस बार चीज़ें डिफरेंट करने की सोची हैं। और फिर आती है रिंग में नटालिया, जो कि पूरी ड्रेसअप हुई होती है रोंडा राउजी की तरह, मतलब एक बार तो भाई मैं धोखा खा गया था कि ये रोंडा राउजी है फिर नटालिया, लेकिन बाद में देखा तो नटाली हुई थी। और नटाली आके बात करती हैं कि रोंडा राउजी ये है वो है, और वो बात करती हैं रोंडा राउजी की मम्मी के बारे में, खुद रोंडा राउजी के बारे में, बेसिकली वो उनको मॉक कर रही थी। और यहाँ पर हम सभी को थिंग्स यहाँ देखने को मिलती हैं, रोंडा राउजी आती हैं और वो कहती हैं कि भाई तुम बेस्ट रेसलर तो, लेकिन तुम में कोई करिश्मा नहीं है एक रेसलर का। और बाद में जो हमारी रोंडा राउजी हैं वो थोड़ा बहुत अटैक भी करती हैं, लेकिन नटालिया भाग निकलती हैं। और जो शो का मेन इवेंट था उसकी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना दी है, भाई आप लोग चैनल पे जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी आप लोग क्या सोचते हो पूरे स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, मुझे आप लोग कॉमेंट करके जरूर बता देना। तो वेल हमारी जो आज की वीडियो थी वो वहीं तक की थी, अगर पसंद तो लाके बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। सो वी विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।